जय शनिदेव जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे बच्चों फिर से हाजिर है आपका साप्ताहिक राशि फल लेकर के जितना आपको इंतजार रहता है उतना मुझे भी इंतजार रहता है आपसे मिलने का तो इसलिए हाजिर हूं बिना समय वेस्ट करते हुए 22 से लेकर 28 अप्रैल आपका कैसा जाएगा चलिए जानते हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट 23 अप्रैल मंगलवार के दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी इस दिन हमारी साधना स्थली पर हम एक भंडारी का आयोजन करेंगे आप में से से जो भी भक्त तन मन धन सहयोग करना चाहे आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं ये जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली पर आधारित है जो उसमें चंद्र राशि है उस पर आधारित है अगर नहीं मालूम है तो अपने नाम राशि से भी आप देख सकते हैं ये एक कॉमन प्रिडिक्शन है कॉमन राशिफल है तो इसमें से मेजर जो भी बातें हैं आपके साथ जरूर मैच करेंगी लेकिन मान लीजिए अगर कोई चीज आपसे मैच नहीं कर रही है तो समझ लीजिए वो किसी और व्यक्ति के लिए है ये राशिफल हम ज्योतिष की गणनाओं पर और उसके साथ साथ मुझे जो भी आभास शक्ति है जो भी इंट्यूटिवली मुझे पता चलता है उसके माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने के लिए हर हफ्ते आती हूँ वृश्चिक तो राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा इस हफ्ते में मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा जैसे घूम रहे थे या कोई व्यक्ति आपको अपनी बातों में बहुत ज्यादा घुमा रहा था या सिचुएशन जो है वो बार बार लौट के आ रही थी तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी भवर जैसे में फंसे हुए थे कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है फिर तीसरी आ जाती है फिर चौथी या फिर पहली दोबारा से पहली आ जाती है तो इस तरीके की साइकिल में आप घूम रहे थे वो जो साइकिल है इस हफ्ते वो टूटेगी और आप ही उसको तोड़ेंगे और अपनी एनर्जी से तोड़ेंगे आप अपनी स्ट्रेंथ से तोड़ेंगे आप अपनी ताकत से उसके साथ फाइट करेंगे और उस साइकिल को बिल्कुल तोड़ देंगे तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें आपको शांति मिलती हुई इस हफ्ते में दिखाई दे रही है वो प्रॉब्लम्स जो बहुत समय से चली थी, चली जा जा रही रही थी थी उसमें जो है सुधार भी होगा और वो एक शिफ्ट भी लेंगी तो आप अपने आप में काफी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड अपना ऊपर काफी गर्व होगा कि ये प्रॉब्लम को फाइनली हमने सॉल्व कर लिया है जो रोज रोज आ जाती थी तो वो एक अच्छी खबर आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है कुछ समय आप अपने साथ बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं शांति में दिखाई दे रहे हैं कुछ पढ़ते हुए कुछ देखते हुए कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं तो एक बहुत अरसे बाद जैसे एक शांति से आपके जीवन में आ रही है तो ये हफ्ता वो शांति लेकर के आएगा और आप अपने फ्यूचर को आप आराम से प्लान करेंगे कि आपको आगे करना क्या है कुछ लोग कोई नई बुक पढ़ सकते हैं कोई नॉवल पढ़ सकते हैं आप किसी तरीके की स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं या डायरी लिखना भी शुरू कर सकते हैं तो कुछ तो ऐसा है जहां पर आप किताबों के साथ या पेज के साथ या पेपर के साथ संबंध रख रहे हैं इस समय में जो भी व्यक्ति आपको मिलेंगे वो आपको अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि वो आपके अंदर का जो बैलेंस है उसे देखेंगे आपकी जो उन्नति है उसको देखेंगे आपको सपोर्ट लोगों से जरूर प्राप्त होगा कहीं आपको डिनर पे इनवाइट किया जा सकता है या रात में आप किसी पार्टी में जा सकते हैं रात के समय में कहीं आप खाने के लिए मुझे जाते दिखाई दे रहे हैं या कोई और व्यक्ति आपको लेकर के जा सकते हैं डिनर पे या आप किसी को लेकर के जा सकते हैं तो कहीं जाते हुए आप खाने के लिए दिखाई दे रहे हैं साथ ही जिनसे भी में, में आप मिलेंगे वो आपकी तारीफ ही करेंगे क्योंकि आपके अंदर की जो शक्ति है वो उसको देखेंगे और आपने जो भी डिसीजन लिया है उसको अप्रिशिएट ही करेंगे इस समय में जो खर्चे हैं वो थोड़े आप बढ़ सकते हैं आपको ऐसा लग सकता है जैसे बैंक बैलेंस जो है वो हमारा बिल्कुल खाली हो गया है अब हमारे पास ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं लेकिन आप फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे आपको पता है कि आने वाले समय में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसके लिए आप काफी ऑप्टिमिस्टिक इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं तो पुराना कुछ क्लोज करते हुए कुछ नया स्टार्ट करने के लिए बढ़ते हुए आप इस हफ्ते में मुझे दिखाई दे रहे हैं हमारे सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों चमत्कार इस बार शनि देव ने किस पर कृपा की है चलिए जानते हैं मैं राजेश तुलसीराम बडवाई नागपुर से बोल रहा हूँ महाराष्ट्र मुझे गुरु माँ मौली का माउली से मैंने जो लॉकेट और अंगूठी मंगवाई थी उसका बहुत ज़्यादा मुझे आ, मेरे बिजनेस में और बाकी इसमें यह हुआ है तो मैं आशा करता हूँ रुक्मिणी जी मौली मुझे अपना शिष्य मान ले और मुझे अपना मंत्र दीजिए प्लीज। घर पे बैठे जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी अगर भगवान शनि देव की कोई विशेष कृपा होती है तो आप एक वीडियो बना करके हमारे जो नंबर स्क्रीन पर आते हैं उस पर भेज सकते हैं ताकि अगले वीडियो में हम आपको भी उसमें फीचर कर सके आप कुछ लोगों को एडवाइस करते हुए भी काफी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि लोग आपके पास आएंगे आपको उनको कुछ एडवाइस देंगे या काउंसलिंग देंगे या आप टीचर हैं काउंसलर हैं किसी तरह के कंसल्टेंट हैं तो वहां धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है नहीं तो इन जनरल ही लोग आपके पास आएंगे कि ये सिचुएशन को तुमने कैसे ठीक किया कैसे इसको ठीक कर लिया तो उस बारे में आप लोगों को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में मशरूम प्लीज मत खाइएगा आपका स्टमक जो है वो उससे गड़बड़ हो सकता है और थोड़ा सा कुछ लोगों की बॉडी में इन्फ्लेमेशन थोड़ा स्वेलिंग थोड़ी सूजन होती दिखाई दे रही है उससे आपको ख्याल रखना है इस समय में काफी सारे ऑप्शन आपके पास होंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि लाइफ में आपको एक्जैक्टली करना क्या है अगर स्टूडेंट है तो करियर ऑप्शन भी काफी सारे होंगे वहां भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कुछ लोग लीगल भी इस समय में चूज कर सकते हैं कुछ एलएलबी करने का या लीगल किसी फॉर्म को ज्वाइन करने का या अपनी अगर आपने लीगल ऑलरेडी कर रखा है तो एडवोकेट बनने के लिए या कोई ज्यूडिशियल पेपर देने के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ लोग मुझे किसी प्रकार का टेस्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है लेकिन आपको पता है आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर घर में कोई पेट है आपके तो उसके बालों में ना कोई कीड़ा हो सकता है तो उसका थोड़ा सा आपको केयर करके उसकी हाइजीन का केयर करने की आपको जरूरत रहेगी और वो थोड़े से छोटे बच्चे या फिर आपके पेट अगर आप उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो इस समय में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हुए गुस्से में दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको भी उनके साथ काफी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इस समय में आप भी थोड़ा गुस्सा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं तो उन पे गुस्सा मत कीजिएगा अपने जूनियर्स पे या अपने बच्चों पर या अपने पेट पे थोड़ा गुस्सा कम करिए और ना उसकी वजह से आपके को थोड़ी दिक्कत हो सकती है सर में दर्द होना कान में दर्द होना पूरा सर से यहां से लेकर के पूरे सर में बहुत ज्यादा खिंच महसूस होना बहुत ज्यादा आपको डिसकंफर्टेबल लगना ऐसा दिखाई दे रहा है ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए अच्छा चाहे भगवान की कृपा ऐसे ही आपको मिलती रहे आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं जय शनिदेव जय श्री कृष्ण